महानता का होमवर्क चल रहा है ना, तो बाबा उसमें विशेष संडे को बाबा ने तीन बातें कही थी। एक है प्रतिज्ञा, व्रत और बलि। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं ना, शिवरात्रि मतलब ही प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। दुनिया में प्रॉमिस का सिस्टम नहीं है। हम लोग क्योंकि झंडा वंदन होता है ना, झंडे के नीचे प्रॉमिस की जाती है, प्लेज की जाती है, तो प्रतिज्ञा हमारे हिसाब से है। और व्रत लौकिक दुनिया में भी होता है, व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन, और बलि चढ़ना ये भी लौकिक का। तो व्रत हमारा, व्रत भी है प्रतिज्ञा भी है, वो है पवित्रता की। व्रत और प्रतिज्ञा दोनों है। तो प्रतिज्ञा किस संदर्भ में और व्रत किस संदर्भ में। व्रत मतलब जो बाबा ने मुरली में भी कहा था संडे की, जो स्नेह से त्याग करते हैं उसको व्रत कहते हैं। त्याग है लेकिन वॉलंटरली इच्छा से स्नेह से किया जाता है, और वैसे छोड़ना है तो हमारा प्रतिज्ञा, हमारी प्योरिटी नियम है, व्रत है या प्रतिज्ञा है, क्या कहेंगे? हमारी पवित्रता क्या है? नियम है, नियम है, पवित्रता का नियम हमने धारण किया, व्रत है। तो आज बाबा यही वापस उस व्रत को पक्का करा रहे हैं। 24-8 मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना। अच्छा प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा का प्यार और अधिकार किन बच्चों पर रहता है? देखो, बाबा का प्यार, जहां प्यार होगा वहां अधिकार भी होगा। कौन से बच्चे? आज्ञाकारी बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। ओके, और कौन से बच्चों पर बाबा का प्यार व अधिकार होगा? जो बाबा को मेरा बाबा कहेंगे। मेरा बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई, जो बाबा को सारे दिन याद करेंगे। याद में रहेंगे। सिंपल है, जो बाबा का बेसिक फर्स्ट, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सिर्फ नहीं, पढ़ाने वाले, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे, पिरोएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। भविष्य, दूसरा है प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच करनी है? कौन सी जांच करनी? हमने कितनी पवित्रता धारण की है। अच्छा, जांच करो। बाबा कहते दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। दैवी गुण धारण करने में ये विघ्न आते हैं, सपोज ऑनेस्टी धारण करने में, या झुक जाने में, पब्लिक ओपिनियन ये बहुत बड़ा विघ्न है,
लोग कहेंगे, पीपल आपको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे, तो एक पब्लिक ओपिनियन एक विघ्न है। इसी तरह ऑनेस्टी के लिए भी फिर काम कैसे चलेगा, तो ये वाला विघ्न है। तो जांच करो कौन कौन से विघ्न आते और उन विघ्नों को युक्ति से छुड़ाना है। अपने को देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं, हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी काटा रुकावट तो नहीं डालता, ये देखना है। अच्छा गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आगे आगे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे, फिर सॉरी आई एम सॉरी, फिर धरती पर आ जा रहे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रहे। बीच भंवर है धर्म की नैया, बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रहे, नैया पार लगा जा रहे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने फिर धरती पर आ जा रहे, रूप बदल कर आ जा रहे। ओम शांति जी, इतना ही याद रूप बदल कर। देखो भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते, आजा रूप बदल कर आजा, जब जब परछाई पड़ी आजा। क्यों बुलाते हैं? भगवान को बुलाने का मतलब ही क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाने का मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि दुखी है। ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर, सुख था अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखाने वाला जरूर बाप चाहिए, बाप समझाते हैं। जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूं, मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे आना ही है पवित्र बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये पांच विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह अभिमान, अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूं, उन्हों को ज्ञान देता हूं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था। आने से ही हमारे पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो पवित्र देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करना है। भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो, तो ये नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है ये? भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये नॉलेज प्रजापद के लिए नहीं है, राजयोग है, राजा पद के लिए है। प्रिंस प्रिंसेस बनने की नॉलेज है, तो वो भी कब होगा? जब धारण करेंगे तब तो बनेंगे। जितना याद, अच्छा अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूं, क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। काटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। देहाभिमान छोड़, देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। याद से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, याद बढ़ाओ, योग की परसेंटेज। तो जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की। अच्छा विकार में जाना बंद करना है।
भल कितने भी विघ्न आए परंतु पर इधर आ जाओ पर कितने भी विघ्न आए परंतु याद करते रहे बाबा को, पवित्र जरूर बनना है चाहे कितना भी विघ्न आए। जास्ती विघ्नों स्त्रियों पर आते हैं, वह चाहती हम पवित्र रहे, कृष्णपुरी में जाना चाहती है, श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है, वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम है। बाप कहते अभी तुम यह व्रत रखो कि हमारा व्रत एक ही है कि कभी विकार में कभी नहीं जाएंगे, ये व्रत रखो। रख रहे हैं सभी पवित्रता का व्रत, पक्का व्रत। अभी जाना है ना भट्टी में जाना है। बाहर कोई नहीं जानता इन बातों को, बाहर कोई भी नहीं मानता इस बात को, पंडित लोग वगैरह मानते ही नहीं इस बात को। तो हमको तो भगवान की आज्ञा पे चलना है ना। नहीं हाँ, विवाह को तो उन्होंने लाइसेंस मान रखा है पंडितों ने, मेजोरिटी। पीएचडी करने वाले कम होते हैं, तो आप कौन सी लाइन में हो? हाँ जी, आप चाहते हो सारे पीएचडी करे, ऐसा चल जाएगा? फिर तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपने यहाँ के ब्राह्मणों के लिए नहीं बोल रहा जी, मैं तो बोल रहा हूँ समाज मेजोरिटी है, उनको यही पता है। हम लोग हाँ, इसीलिए ना हम लोग सब पीएचडी करने वाले, वैल्यूज में पीएचडी मतलब प्योरिटी। तो बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है, जब तक जीना है। तुम जानते हो, देखो आज वैसे ही वही पुरुषार्थ भी है कि व्रत बाबा का हम व्रत रख रहे हैं वॉलंटरीली, नियम नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे पवित्र दुनिया बनानी है, तुम पवित्र, तुम्हारे पवित्रता का बल चाहिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे प्योरिटी दो मैं तुमको स्वर्ग दूंगा। तो क्या करते हैं, इसलिए उसको मदद करने के लिए पवित्र रहते हैं। और जब ये जो प्रधानमंत्री कोई क्लेरियन कॉल कौन सा था अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री का कॉल, पहले तो स्वच्छता का था अभियान, स्वच्छ हाँ घर घर झंडा। क्या फर्क पड़ता है, क्या एक दिन तिरंगा होने से कुछ हो जाता है? लेकिन क्या था, प्रधान किसने बोला है, कितना सभी ने फॉलो किया, क्योंकि बोला किसने, कहा किसने, तो भगवान कह रहा है इसलिए फॉलो करना है ना हम। तो बाबा कहते हैं तो इस बार हम 18 जनवरी में मैक्सिमम आएंगे। तो बाबा कह रहे जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अभी हमारा अंतिम जन्म है, न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते, दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते, देखो वो पवित्र बनते हैं फिलोसफी के हिसाब से और बताया है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, और हम पवित्र बनते हैं हमारे कितने पवित्रता के रीजंस है, फर्स्ट ए बी सी डी। ए पवित्रता हमारा स्वधर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, आत्मा का नेचर ही है। दूसरा हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म अंतिम समय चल रहा है। तीसरा भगवान का कॉल है, भगवान को मदद करना है। फोर्थ पवित्र दुनिया में जाना है, पता है अगला जन्म, मतलब अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है, अगर उस दुनिया में जाना ही है मुझे तो और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, परम धाम में जाने के लिए भी पवित्रता कंडीशन है। हाँ, फिर परम धाम में तो वैसे वो कर मतलब
वो सट्टे खाके भी तो डंडे खाके सजा खाके जाए, जिनको डंडे खाना नहीं खाना है वो पवित्र बने पहले से, कम डंडे खाना है तो साथ में रहते। तो बाबा कहते हैं वह हठयोगी सन्यासी, अब उन लोग जो पवित्र रहते वो कोई इस विचार से नहीं बनते कि हमारा अंतिम जन्म है, लास्ट है, यहाँ तो मेहनत है। और लास्ट जन्म है मतलब क्या है, क्यों लास्ट जन्म है इसलिए पवित्र बनना है, क्योंकि जैसे आए थे वैसे जाना है। हर आत्मा पवित्र आई थी तो दोनों को साथ में रहते हुए कभी विकार में नहीं जाना है, दोनों को व्रत लेना है। एक बार बाबा के सामने नए युगल आए थे, न्यूली मैरिड आए, बाबा ने साकार में लक्ष्मी नारायण का पिक्चर दिया और बोला बच्चे देखो तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण समान बनना है, तो इसलिए इस ब्रह्मा तन में आए हुए परमात्मा की आज्ञा अनुसार पवित्र बनना है, पवित्रता का व्रत धारण करो बस। मतलब बाबा ने बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब किस तरह से वो क्या जादू था बाबा ने कहा बोला, और फिर बाबा ने वो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया, संकल्प कर लिया, व्रत ले लिया, और वो आज वो युगल आज तक पवित्र है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है, दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती है, पुरुष कभी पुकारते नहीं है कि प्रभु लाज रखना हमको बचाओ, ये माताओं की पुकार है, माताएं बाप को पुकारती है हे बाबा मुझे ऐसा करने होने से बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें है, सिर्फ नाम भूल से कृष्ण का लगा दिया, वो यादगार है कौन सा, हाँ द्रौपदी का, तो वो यादगार यहाँ के एक, बाबा हमेशा कहते हैं ना एक द्रौपदी नहीं है वो अनेक, क्योंकि अनेक दुशासन है तो अनेक द्रौपदी है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, कुछ भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। हाँ कल पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर से हो रहा है, अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो, पवित्र बनकर पवित्र बनाने, तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने हमजिन्स को उठाना है। किसको कह रहे हैं बाबा, अपने हमजिन्स को उठाना है, किसको, हमारे साथ वाली आत्माओं को, माताओं को कह रहे ना कि तुम्हारी फ्रेंड्स को उठाओ, हमजिन्स को उठाओ। हमजिन्स मतलब हम शरीक, सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग, यह है पवित्र, यह है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है। फेमस है ना कितने ऐसे एग्जाम्पल, रामकृष्ण परमहंस को तो पहले दिन ही उनको पूछा उस शारदा माँ को, तुम मुझे गिराने आई हो या उठाने आई हो, तो उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे साधना के पथ पर सहयोगी बनने आई हूँ, शारदा माँ के नाम से फेमस है वो स्टोरी। तो तुम माताएं निमित्त बनी हो, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग यह प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, जिससे उच्च पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है,
हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे। अच्छा फिर स्वर्ग कैसे होगा, मनुष्य के तो ख्याल में भी नहीं है। बहुत बड़ा मतलब ब्लैक डार्कनेस है ना स्वर्ग की दुनिया को, इंद्र महाराज और वहां अप्सराएं और फिर तो क्या बोलते उसको बार बना सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट बता दिया, और असुर और फिर ये नहीं क्योंकि वहां ड्रिंक्स और सब बताया जाता है, फिर डर ये सब। स्वर्ग की डेफिनेशन रॉन्ग, सत्युग की डेफिनेशन, सत्युग में ये वाले असुर हिरण्यकश्यप, त्रेता युग के तो फेमस है, द्वापर की तो पूछो मत, कलयुग के तो हालत ही खराब है। तो फिर कुछ अच्छी बात कब थी दुनिया में जो हम सोचे कि अच्छी दुनिया होनी चाहिए, तो फिर तो एग्री करें ना ये ऐसी ही चलती रही है दुनिया हमेशा। जितनी पॉपुलेशन थी उतने असुर थे, अभी ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा डेकॉइड सी और ये सब है, तो अच्छी दुनिया तो कभी थी नहीं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग कैसे होगा, ये तो मनुष्य के ख्याल में भी नहीं है। ये किसको पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, आप ही पूज्य, ये परमात्मा के लिए नहीं है, ये किसको भी पता नहीं है। ये किसको भी पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, पुजारी तमो प्रधान कैसे बने, डाउनफॉल कैसे हुई, रोल आफ्टर रोल। बाप बैठ समझाते, सत्युग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने, अच्छा अब ब्राह्मण वंशी बनते हो, अच्छा फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया, कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया। बापी पतितों को पावन बनाते, अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा बार 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 एम्फसाइज कर रहे हैं आज, हम प्रतिज्ञा करते हैं। बोलो 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 भाई, म्यूट में ही बोल दो। जब तक जिएंगे तब तक पवित्र रहेंगे। तो वैसे पवित्रता स्वधर्म है ना, और वैसे भी आदत कोई बनती है, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, कितने दिनों में आदत बनती है साइंटिफिकली, 21 डेज में हैबिट, 7 डेज में हैबिट, 21 डेज में संस्कार, साइंटिफिक कोई चीज करते जाओ। कहीं कहीं थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट भी है, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 21 डेज में, मतलब 21 डेज में तो पक्का हैबिट और 90 डेज में तो संस्कार, ऐसे भी बताते। तो बस तो एक बार करते जाओ, आदत बनने के बाद तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं होता। और दूसरा अगर ये रियलिटी है कि ये मेरा स्वधर्म है तब तो फिर और ही इजी है, क्योंकि जो मैंने बहुत समय किया था स्वधर्म है ना, तो मेरा आत्मा का हिंदुइज्म स्वधर्म है सपोज, तो उनको अगर वो विदेश में चले भी जाते हैं वापस स्विच ऑन करना हो तो उनको डिफिकल्ट थोड़ी होती, क्योंकि वो तो उनका रिलीजन रहा ही है। और प्लस हम ब्राह्मणों का तो 2500 साल का स्टोरी है, इसलिए और बहुत इजी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी हम प्रतिज्ञा करते पवित्रता की, बाप को याद करने से हम पावन बनते हैं, बाप कृपा करेंगे। कृपा तो की है ना, क्या कृपा की बाबा ने, एडॉप्ट कर लिया। अच्छा और कृपा की है, परम धाम छोड़ के आए। अच्छा बाबा की दया कौन सी है, कृपा कौन सी है, वो ऊपर से नीचे आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो ये दया है या कृपा है, सोचना, कृपा है तो दया ये कृपा है।
ज्ञान देना तो कृपा है, दया करके आते हैं और फिर कृपा करते हैं, दया करते हैं मतलब बाबा दया, ज्ञान देना दया, तरस आता है हम बच्चों, ज्ञान देना दया है या ज्ञान देना कृपा है, वो कृपा है, ज्ञान देना कृपा है और आना दया है। तो बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने, तो बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना, परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए, बाप कहते अब मैं आया हूं। कृपा का मतलब क्या है कि इजीली मुझे मिल जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मेहनत तो मुझे इजीली मिल जाए, बस तुमको चाहे कितनी भी मेहनत करनी, इसलिए कहते हैं ना भगवान की कृपा। तो बाप कहते अब मैं आया हूं, जो सिखलाता हूं वो सीखो, मुझे याद करो, इसलिए कृपा वर्ड, कृपा क्या टर्म यूज करते हैं सन्यासियों के सामने, साधु संतों के सामने या परमात्मा के सामने, भाई मुझे नहीं मेहनत करनी पड़े, तुम लोग तुम कर लो मेरे। तो साधु सन्यासी के सामने करते, विकर्म विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। टीचर को कहेंगे कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाए, परमात्मा जो करता है मतलब कृपा जरूर करता है लेकिन आशीर्वाद नहीं देता है। कितनी अच्छी बात है बाबा। बाबा आशीर्वाद नहीं देता है, कृपा करता है, दया करता है, कृपा करता है, आशीर्वाद नहीं देता है। आशीर्वाद इन दैट सेंस कि वरदान सब हो जाएगा जो चाहिए, तुम मेहनत करो, क्योंकि यहाँ बाबा टीचर है, टीचर कभी आशीर्वाद देगा क्या, भाई बस मेरा आशीर्वाद है तुमको, फुल मार्क्स मैं दे दूंगा, तुम परफॉर्म अच्छा करो तो मैं मार्क्स फुल दे ही दूंगा ना। हाँ अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बाबा क्या कहते। तो टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाए, ये भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं, कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे, टीचर सब पर कृपा करे तो मतलब आशीर्वाद, तो फिर तो सब पास हो जाए। टीचर का कृपा क्या है, टीचर बेस्ट एफर्ट करके वो पढ़ाता है, मतलब हर तरह की वो सुविधा दे देगा, जिसको जो चाहिए मुझे पूछो बात करो, लेकिन पढ़ना तो स्टूडेंट्स को होगा ना, वहां टीचर कुछ नहीं कर सकता है ना, कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे। अच्छा टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए, फिर तो फिर क्या हो जाएगा, केओस, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी सारी फर्स्ट नंबर में, टीचर करेगा तो राजधानी बनेगी कैसे। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय है ही नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो। साधु संत आदि सब कहते हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में डिंडोरा पीट जाता, श्री कृष्ण तो आ न सके, यह तो बाप को आना पड़ता है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, अंत तक पढ़ाई चलनी है, आते ही गुप्त रूप में पहचानते नहीं, श्री कृष्ण तो हो न सके, निराकार बाप सभी का एक है, वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने, तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसा रिलेशनशिप परमात्मा को कभी याद ही नहीं किया ना, किया याद कभी संबंध, हाँ
हाँ मतलब फील किया वो संबंध, नहीं वो किसी ने बताया नहीं था। जैसे जैसे करते जाएंगे ना, ये संबंध की फीलिंग इतनी पावरफुल है, आपको लगेगा कि जैसे बाबा साथ में चल रहा है, कमरे में बैठे बाबा बैठा है, बाबा बात कर रहा है, बाबा देख रहा है, कभी भी अकेलेपन की फीलिंग नहीं आएगी। ये है रिलेशनशिप। रिलेशन मतलब क्या? साथ में रहना। ये है मौज, संगम युग के मौज। तो बाबा क्या कहते हैं, तो परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? बाप को कितने ढेर बच्चे, परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद करो, उच्च वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सत्युग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। ये भी तो देखना पड़े ना, पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी पढ़ाई। इसलिए मुरली इंपॉर्टेंट है, हम सब नोटबुक पेन लिख कर पढ़ाई, पढ़ेंगे तो सीखेंगे भी, नहीं पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। अच्छा, सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। बाबा के घर में कोई विक्रम करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। अच्छा, कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं, कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। रियलाइजेशन तो हो गया ना। और पाप की लेवल क्या है? कल का एग्जांपल याद है? पाप कहो या फालतू कहो, भूल गए जो आपने कल होमवर्क दिया था? नहीं नहीं, हाँ वही, मतलब रमेश भाई का एग्जांपल दिया था, रमेश भाई का। राइट राइट राइट, रमेश भाई का, रमेश भाई का, रमेश भाई का एग्जांपल। टेस्ट, खाने का टेस्ट। इतना भी याद क्यों है कि वो वहां अच्छा था? पुरानी बात उतनी भी याद क्यों? तो ये तो विक्रम नहीं है ना। इस लेवल तक विक्रम, मतलब दुनिया के लेवल में तो ये क्या है, ओल्ड मेमोरीज। याद है, एक हम फोटोज लेते हैं सेवा पर्पस के लिए, कोई उसको देख देख के याद नहीं करते। हमें जो काम आता है, कभी हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो पूरा पूरा हमको बताना होता है, इसलिए वो फोटोज आदि होते हैं। बाकी एक एक को याद करने के लिए फोटोज नहीं होती। तो बाबा इसलिए कहते हैं, नो पुरानी मेमोरीज। तो उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं, कोई भी पाप किया तो बतलाओ, सब कुछ याद रहता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते, ईश्वर सब जानते तो बोलने की जरूरत है उसको, बाबा ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं, बाप को बतलाना पड़े, इस जन्म में जो पाप कर्म किए वो आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है। अब सारा जो कंपैरिजन करना है अपना, वो करना है कि बाबा की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, चाहे पहले मुझे ज्ञान नहीं था फिर भी गलतियां तो हुई ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो किया ना गलती, आज पता चला कि ये गलती थी, बता दो बाबा को। उस समय नहीं पता था लेकिन आज तो पता है। हाँ, ऐसे 2 मिनट्स रोज फॉरगिवनेस में आफ्टर अमृत वेला, 45 मिनट को 4:45 के बाद 2-3-4 मिनट रोज, वो आत्माओं को 63 जन्मों के विकार विकर्मों से फॉरगिवनेस लेनी चाहिए। किसी का मेरे प्रति बहुत हार्श एटीट्यूड है, फॉरगिवनेस, विकर्म, कुछ न कुछ किया है तो सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किया,
आप बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की, चोरी करना, ठगी करना, ये तो छोटी छोटी बातें है, मुख्य है वो तो बहुत छोटी बात है, मोटी है। मुख्य बात है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पांचवी मंजिल पर गिर से गिरना हुआ, पहले तो देहाभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। ये सब बातें समझ कर फिर क्या करनी है? समझ गए, अब क्या करनी? समझाओ औरों को, समझाओ। बाबा पूछेंगे, देखो जो हेल्थ वेल्थ का करते हैं ना, योगा करते, हेल्थ का करते, न्यूट्रिशन का करते, तो वो खाएंगे, उनको बहुत अपील होती है इसलिए वैसे फॉलो करते। ऑटोमेटिक दूसरों को भी दूसरे के थाली में देखेंगे ना, ये नहीं, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इससे ये होता है। कोई उसको एडवाइस मांगे ना मांगे तो स्टेटमेंट तो हो ही जाता है। क्यों? समझे है ना, तो समझाने का नेचर होता है, मतलब वो चीज बोलने का, इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा पूछेंगे, तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई? पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है, तो यह भी पोता मेल बताओ। तब तो समझे कि तुम ब्राह्मण बने हो। कौन सा पोता मेल बताना? पोता मेल बताओ। नहीं नहीं अभी अभी जो बताया। बाबा पूछेंगे, तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई? पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है, तो यह भी पोता मेल बताओ। तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो कि परमात्मा आया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों का है ना कथा सुनाना। कितनों को कथा सुनाई ये बताओ। है सुनाने लायक है? कर्मों से भी सिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, शब्दों से हम जितना हो सके करेंगे, कर्मों से सिखाए। तो बाबा कहते तब समझे कि ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है कथा करना। पर ब्राह्मण तो सुनाओ लोग। बाबा पूछेंगे, तो कितनों को आप समान बनाया अपने जैसा? ये है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है, दुनिया में ये कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुत उसके सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर का मालिक बनाने। एक दादी थी शायद प्रकाशवाणी दादी, तो पूछा एक बार, कितनी बहने गुरु बनी है पति की? ऐसे है यहाँ कितनी माताएं अपने पति की गुरु बनी? एक, दो, दो ही है। तो तीन पर गुरु तो नहीं बने। हाँ चार 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 बीबी ले आए थे लेकिन गुरु नहीं बने। हाँ पांच पांच क्या बोला? हाँ छह राइट रमेश बहन। हाँ दीदी पर गुरु तो नहीं है ना, ले आओ। नहीं जो जो माता है जो युगल अपने पति को ज्ञान में लाने के निमित्त बने गुरु तो पूरा आज एटलीस्ट गुरु हाँ ये करना है। नहीं नहीं वैसा वाला नहीं, ये बाबा कहते। बाबा कहते हैं तो गुरु वही गुरु निमित्त बना स्वर का मालिक बनाने। कई कहते हैं ना
कि वो उसके कारण मैं ज्ञान में चला, युगल के कारण। तो बीके सबूत देते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, बीके सबूत देते हैं ना, परंतु जो बनते वह किसको समझाते, वो तो बन गए, वो किसको समझाए, किसको ले आते, ले तो आना है ना, जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे, पहले बाप की गोद तो ले ले वे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते, हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बना, सदगुरु की गोद तो ली, गोद ली, बाप से मिले, तो यह वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते, समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने भी अगर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर वही गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर की बादशाही देते नहीं, बादशाही बाप से ही मिलती है, बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे, ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि वह बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस था। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बाप भी है, शिक्षक भी और गुरु भी है, इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, पतित पावन है एक बाप। अच्छा, कोई भी विघ्न आए बाप को याद करो। एक बार दादी प्रकाशमणि जी का चल रहा है ना, तो दादी के पास कोई मिलने आए, शायद जूनागढ़ की बहने, तो कहा कि दादी बस निकल रहे हैं तो छुट्टी ले रहे हैं, रात को 2:30 बजे पहुंचेंगे सेंटर पे। तो फिर दादी मिले, दृष्टि दी, फिर बोला दादी को कि गाड़ी कहाँ है, तो फिर कहा कि वहां अंदर बाबा का कमरा है, दादी कॉटेज में, वहां जाके बाबा से दृष्टि लो, वहां भी जाओ। तो बाबा से दृष्टि ली, बहुत पावरफुल ऐसे फीलिंग हो रहा है, तो जाके फिर अजीब सा जैसे एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर दादी को सुनाया, फिर दादी ने कहा अच्छा तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। वहां गए तो दादी ने गाड़ी को बहुत पावरफुल दृष्टि दी, फिर सब जो बैठने वाले उनको बोला बाबा की याद करते रहना एक्सेट्रा। अच्छा, फिर बाद में तो वो गए निकले, तब जब तक वो गाड़ी गई नहीं, और फिर वो गए, गाड़ी निकली, उसके बाद तो फिर एक ना एक पीछे मिलने के थे सब, पर दादी ने बोला था जैसे पहुंचो मुझे बताओ। फिर रात को 10 बजे वो पूछा बहन को कि भाई उनका फोन आया, बोला नहीं अभी तक तो कोई फोन नहीं आया, वैसे भी 2:30 बजे पहुंचना है। अच्छा, फिर बोला जैसे ही फोन आएगा आपको बता देंगे। तो अगले बाद में उनका 4 बजे फोन आया उसको, ब्राह्मणी को, कि हम पहुंच गए, दादी को बता देना। उसके बाद 6 बजे उन्होंने फोन किया कि एक्चुअली गाड़ी का बस 9 मिनट की दूरी पर थे, तब बहुत बड़ा एक पेड़ आया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, पूरी पूरी गाड़ी बड़ी सारी थी, 6 बहनें और भाई और सब। और लेकिन जैसे कोई शक्ति थी जो, तो गाड़ी का तो पूरा, और वो फिर वो शीशे में से जैसे बाबा मम्मा निकाल रहे हैं, ऐसा फील हुआ कि कैसे वो पावर थी। और एक खरोच भी नहीं आए, 6 के 6 7 लोग निकल के आए। और बाद में फिर वो जो भी गाड़ी का हुआ, तो बोला यहाँ इसके हालत में तो कोई बच नहीं सकता था। तो फिर पूछा दादी को, दादी आपको, क्योंकि दादी ने बहुत स्पेशल अटेंशन दिया, तो दादी ने कहा कि देखो कभी भी वैसे रात को ऐसे दादी को बोला कि दादी क्या आपको पता था क्या कि इतना। दादी ने कहा कि बातों बाबा की याद है, बाबा रक्षा करता है, लेकिन कभी रात को ट्रेवल नहीं करो। फिर बाबा की, दादी आपको पता था तो बताया क्यों नहीं। तो दादी ने कहा कि जो अपने अनुभव से सीखता है ना, वो किसी के बात से नहीं सीखे। अगर मैं कह भी देती तो रेडी थे जाने के लिए, रुकते थोड़ी, लेकिन क्योंकि आप रेडी थे, मेरा अभी फर्ज था कि तुम आत्माओं को शक्ति देना ताकि तुम सेफ रहे।
बता दिया किस लेवल तक सहयोगी होती है। तो कोई भी विघ्न हो तो बाप को याद करो। प्रकाशमणि दादी की बात है तो भगवान का कोई माँ बाप नहीं है, गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप रचेता है, ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है, वह सब हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहेंगे, हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं, वही नई दुनिया का रचेता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाती भी है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्योहार जो भी मनाते उसका अर्थ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत है, फिर सत्युग में थोड़ी बनाएंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं, इनका जन्म कब हुआ किसको पता ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना। समझते कुछ भी नहीं, तुमको समझाया जाता है। यह है डिटेल की बातें, यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्लास में पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? क्लास में जाकर पढ़ने का एक अपना इम्पोर्टेंस भी है और और सबसे इम्पोर्टेंट है बाप की आज्ञा का पालन किया, क्लास में गए तो वैसे ही मार्क्स मिला। और ऊपर से जो भी आ रहे हैं आप लोग सभी, पहले ऑनलाइन करते थे तो क्या एक्सपीरियंस था, कोई अटेंशन ही नहीं जाता था, बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस होते। क्लास का अपना बेनिफिट है। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ भी ऐसे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब है, समझना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते ना, बाबा पूछते थे साकार में, अगले दिन मुरली में, कल की मुरली में किसने सारी सब कुछ धारणा की, पॉइंट्स धारण किया। कोई वो हाथ उठाते थे, कोई नहीं उठाते थे, तो जिन जो उठाते थे फिर बाबा कहते थे आज वही टोली देगा जिसने कल पूरा अच्छे से धारण किया। मतलब बाबा किस तरह से फिर उसका बहुत लाड प्यार पुचकार देते थे, बाबा करते थे। पढ़ते ही नहीं तो बाप तो पुचकार देते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। ऐसा पेरेंट हम क्या कहते बच्चों को? बचपन से एक ही वर्ड पूरे बुद्धि में बच्चों की डाली जाती है, डाली जाती क्या, हमको यही याद है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही बोला जाता है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है सबको बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए। हम लोग को तो नहीं बोलना पड़ा कभी पढ़ने के लिए उन्हीं को बोलना पड़ता है। हाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं, हाँ पढ़ना है तो बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ो पढ़ो। और अदरवाइज तो आजकल क्या है, पीछे ही पड़े रहते पढ़ो पढ़ो तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे है, पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली है और विजयमाला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते, सचखंड की स्थापना करते। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है।
जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा है, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना ही दुआएं है। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस, इसलिए आज इस बार का टॉपिक हमने रखा ना बैलेंसिंग लाइफ। तो श्रेष्ठ स्थिति होगी कर्मों में तो ऑटोमेटिक प्रेरणा स्वरूप होंगे उस कर्म में, तो ऑटोमेटिक दुआएं मिलेंगी। अगर मुझे किसी ने इतना भी फील किया ना, ये सचमुच बहुत अच्छा है। जहां थोड़ा सा त्याग करना पड़े, थोड़ा झुकना पड़े, वहां अच्छा फील करेंगे ना, चाहे वैसे बोलेंगे भी नहीं, फील तो करेंगे ना, उनका फील करना ही मेरे लिए ब्लेसिंग है। कर्म और योग। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना ही सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारे, वही आज का होमवर्क दिए है। ट्वेंटी फोर्थ, जितने भी ब्राह्मण, 24th है ना कि 23rd है, जितने भी ब्राह्मण है, हर एक ब्राह्मण चैतन्य सालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है, ऐसे मंदिर समझते हुए इनको शुद्ध और पवित्र बनाओ। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्मेंद्रियों द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये है शालिग्राम। तो आज ये फील करना है, मैं शालिग्राम। जितने भी हमारे टाइटल्स है ना, सबके समान हम लेंगे। तो मैं चैतन्य शालिग्राम का मंदिर, चैतन्य शक्ति मंदिर। मंदिर है और उसमें मूर्ति नहीं है ना, तो वो मंदिर की वैल्यू नहीं। और मूर्ति है तो कहीं भी अगर वो जगह भी होगी ना, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मंदिर का नहीं भी होगा ना, तो उस पेड़ की भी कीमत होती है, क्योंकि मूर्ति है। तो तुम ब्राह्मण जिस भी घर में हो, वो क्या है, वो मंदिर है, चैतन्य शालिग्राम। ठीक है, बहुत अच्छा, ओके।